मुरादाबाद जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब मोबाइल सही कराने को लेकर मोबाइल सर्विस सेंटर के स्टाफ और ग्राहकों के बीच विवाद हो गया। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है, जहां मोबाइल सही कराने को लेकर मोबाइल सर्विस सेंटर के स्टाफ और ग्राहकों के बीच विवाद हुआ। इस दौरान मोबाइल सर्विस सेंटर संचालक ने 112 पुलिस को कॉल कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले गई। आरोप है कि इस दौरान कैंप चौकी इंचार्ज ने मोबाइल सर्विस सेंटर के स्टाफ के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए मारपीट की। सूचना पर भाजपाई वहां पहुंचे तो उनके साथ भी चौकी इंचार्ज द्वारा अभद्रता की गई, जिस पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंच गए और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। मामले की जानकारी लगते ही नगर विधायक रितेश गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। नगर विधायक रितेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि सैमसंग के सर्विस सेंटर पर कुछ लोग मोबाइल सही कराने आए थे। सेंटर वालों से इस पर उनका कुछ विवाद हो गया। सेंटर वालों ने 112 पर पुलिस को बुला लिया और 112 की पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई। थाने पर आने के बाद जो कैंप चौकी के चौकी इंचार्ज हैं, उन्होंने सैमसंग मोबाइल सर्विस सेंटर के स्टाफ के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया। सैमसंग का एक सर्विस सेंटर है, वहाँ पे कुछ लोग मोबाइल सही कराने आए थे, तो सेंटर वालों से उनका कुछ विवाद उसमें हो गया था। सेंटर वालों ने 112 पे पुलिस को बुला लिया था। 112 की पुलिस दोनों पक्षों को थाने पे ले आई थी। थाने पे आने के बाद जो कैंप चौकी का चौकी इंचार्ज है महेश कुमार सिंह, उसने सैमसंग के जो एम्प्लॉइज थे उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया, उनके साथ मार पिटाई करी, पट्टों से उनको पीटा गया। जब हमारे मंडल अध्यक्ष सोनू सुमन जी को इसकी सूचना मिली तो वो थाने पहुँचे। थाने पहुँचने के बाद उन्होंने पूछा कि ये आपने इन लोगों के साथ मार पिटाई क्यों की है, तो चौकी इंचार्ज ने महेश कुमार सिंह ने सोनू सुमन जी के साथ भी बहुत मिसबिहेव किया, गाली गलौज करी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपशब्दों का प्रयोग किया। साथ ही नगर विधायक रितेश गुप्ता ने कैंप चौकी इंचार्ज की शिकायत DIG शलभ माथुर से की है। DIG ने नगर विधायक रितेश गुप्ता को निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद भाजपाई शांत हुए।